गाइज, अगर आप 2024 में लग्जमबर्ग मूव होना चाहते हो वही 5 साल के वर्क वीजा टाइप डी पर, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। क्योंकि दोस्तों इस टाइम पर 3 लाख वर्कर के यहाँ पर शॉर्टेज है लग्जमबर्ग में, और ये 3 लाख वर्कर्स इनको आने वाले 3 साल के अंदर फुलफिल करना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर काफी ज्यादा शॉर्टेज है वर्कर्स की, फाइनेंस डिपार्टमेंट में, हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में, कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में, इंजीनियरिंग सेक्टर में, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, काफ़ी डिफरेंट ऑफ काइंड सेक्टर ऐसे हैं दोस्तों जहां पर इस टाइम पर वर्कर की भारी यहां पर शॉर्टेज चालू है। तो इसको फुलफिल करने के लिए ये लोग फॉरेन वर्कर को हायर कर रहे हैं। अगर आप दुबई, सऊदी, कतर, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश किसी भी कंट्री से आप बिलोंग करते हो, तो दोस्तों आप लग्जमबर्ग जा सकते हो लग्जमबर्ग के डी वीज़ा पर। इस वर्क वीज़ा पर जाने के बाद आप 5 साल तक काम कर सकते हो, और 5 साल के बाद आप यहाँ पर यहाँ की PR के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो इस वीडियो में जानेंगे लग्जमबर्ग का टाइप डी वीज़ा आपको कैसे मिलेगा, इसके लिए क्या क्या प्रोसेस। इस वीडियो में हम बात करेंगे एंट्री लेवल जॉब्स के बारे में। लग्जमबर्ग में जो एंट्री लेवल की जॉब है, जैसे कि सेमी स्किल्ड कैटेगरी की जॉब्स है, कुछ ऐसी जॉब है जो कि अनस्किल्ड कैटेगरी में आती है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको सैलरी भी काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। 2500 यूरो से लेकर 3000 यूरो आप पर मंथ अर्निंग कर सकते हो, ये आपकी सैलरी रहेगी। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको अगर ये वीज़ा चाहिए तो इसके लिए सबसे पहले आपको जॉब अप्लाई करना पड़ेगा, जॉब ढूंढना पड़ेगा लग्जमबर्ग के अंदर। तो कौन कौन सी वेबसाइट है जहाँ पर आपको जॉब मिलेगा वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। लेकिन आपको यहाँ का जो टाइप डी वीज़ा है वो आपको कैसे मिलेगा, सबसे पहले उसका प्रोसेस बता देता हूँ। और दोस्तों ये सारा प्रोसेस बिना एजेंट के आप कर सकते हो, क्योंकि एजेंट के थ्रू अगर आप जाओगे 15 लाख रुपये आपसे ले लेगा, तो बिना एजेंट के भी आप इसे बड़े आराम से कर सकते हो अगर आप लग्जमबर्ग जाना चाहते हो 2024 में। तो इसके दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पर जॉब सर्च करोगे, जॉब सर्च करने के बाद में आपका यहाँ पर सिलेक्शन वगैरह हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपके बिहाफ पर जो आपका एम्प्लॉयर होता है वो वहाँ के लोकल इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में आपके लिए टेम्प्ररी ऑथराइजेशन टू स्टे की एक एप्लीकेशन डालता है। वो अगर यहाँ से सक्सेसफुली डन हो जाती है तो दोस्तों उसके बाद का जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है दोस्तों, आफ्टर अप्रूवल ऑफ टेम्प्ररी ऑथराइजेशन यू कैन अप्लाई फॉर ए टाइप डी वीजा एट द नियरेस्ट एम्बेसी। उसके बाद दोस्तों अप्रूवल मिलने के बाद में आपको अपने होम कंट्री यानी कि जैसे आप इंडिया से बिलोंग करते हो, इंडिया में आपको लग्जमबर्ग की एम्बेसी में जाके टाइप डी वीजा के लिए अप्लाई करना है। इस वर्क वीजा का फी ओनली 50 यूरो है। तो दोस्तों उसके बाद में आपको जब आप वहां पर पहुंच जाओगे लग्जमबर्ग में, जब आपको ये वर्क वीजा मिल जाएगा, उसके बाद में आपको मेडिकल चेकअप कराना, वो भी लग्जमबर्ग जाने के बाद में। उसके बाद में आप यहाँ पर अप्लाई करोगे टेम्प्रेरी रेजिडेंस परमिट के लिए। टेम्प्रेरी रेजिडेंस परमिट आपको विद इन 2 वीक्स या फिर 3 वीक्स के अंदर आपको मिल जाएगा। तो बेसिकली दोस्तों 3 टाइप के यहाँ पर वीजा होता है, जिसको बोलते हैं टाइप सी वीजा, उसमें आप 90 डेज के लिए जा सकते हो लग्जमबर्ग। एक होता है टाइप डी वीजा, जिसमें आप 5 साल तक के लिए जा सकते हो लग्जमबर्ग। एक होता है ईयू ब्लू कार्ड, ये वीजा दोस्तों हाईली क्वालिफाइड वर्कर्स के लिए होता है। अब दोस्तों बात करते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ ए वर्क वीजा। हैव ए जॉब ऑफर फ्रॉम लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग के किसी भी एम्प्लॉयर के पास से आपके पास में जॉब ऑफर लेटर मिलना चाहिए। हैव ए वैलिड वर्क कॉन्ट्रैक्ट विद एन एम्प्लॉयर इन लग्जमबर्ग, तो जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट है वो आपको एम्प्लॉयर ही आपको प्रोवाइड करता है जब आपको यहाँ पर जॉब लग जाता है लग्जमबर्ग में। योर एम्प्लॉयर मस्ट रजिस्टर योर राइट टू एम्प्लॉयमेंट एट द नेशनल एम्प्लॉयमेंट एजेंसी। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट विल ऑल नेसेसरी डिटेल। वैलिड पासपोर्ट आपका होना चाहिए, वीजा एप्लीकेशन फॉर्म आपका होना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट आपके पास होना चाहिए 3 मंथ का, कॉपी ऑफ योर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होना चाहिए जब आप लग्जमबर्ग के टाइप डी वीजा के लिए अप्लाई करोगे। जब आप लग्जमबर्ग पहुंच जाओगे उसके बाद में आपको यहाँ पर जाकर सबसे पहला काम करना होगा दोस्तों टेम्प्रेरी रेजिडेंस परमिट के लिए आपको अप्लाई करना, ये आपको मिल जाएगा 2 या 3 वीक के अंदर। उसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर 5 साल तक रह सकते हो। उसके बाद दोस्तों आफ्टर स्टेइंग फॉर 5 ईयर लीगली इन लग्जमबर्ग यू कैन अप्लाई फॉर ए परमानेंट रेजिडेंस परमिट, जहाँ दोस्तों PR भी आपको मिल जाएगी आफ्टर 5 ईयर। तो गाइस चलिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले आपको जॉब अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि जब तक आप यहाँ पर जॉब अप्लाई नहीं करोगे तो तब तक आपको यहाँ पर ऑफर लेटर नहीं मिलेगा, और बिना ऑफर लेटर के कोई भी वीजा आपको नहीं मिलेगा। तो सबसे पहला जो स्टेप रहेगा वो है दोस्तों यहाँ पर जॉब अप्लाई करने का। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ लग्जमबर्ग के अंदर आपको जॉब अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों जॉब ढूंढने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको जॉब फाइंडर यहाँ पर आपको आ जाना, और यहाँ पर आपको लग्जमबर्ग के अंदर जो भी अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड जॉब है वो सब यहाँ पर आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको इस पेज को ट्रांसलेट कर लेना है इंग्लिश के अंदर, क्योंकि ये पेज आपको दूसरी लैंग्वेज में मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरह की सारी जॉब आपके सामने जाएगी। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी लैंडस्केप गार्डनर की जॉब है, अगर आपकी एजुकेशन 8 क्लास है तो भी आप एज ए गार्डनर जॉब अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों जैसे पार्क हुए या फिर ऑर्चार्ड हुए उनके अंदर आपको यहाँ पर काम करना पड़ता है। तो गाइस इस जॉब के लिए मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पर देख लेना कॉन्ट्रैक्ट आपका परमानेंट रहेगा, फुल टाइम जॉब है, और यहाँ पर जो आपको काम करना है वो भी आप यहाँ पर देख लिए। एक्सपीरियंस अगर आपके पास में 5 साल का है तो वेल एंड गुड, यहाँ पर आपको सैलरी भी उसी हिसाब से मिलेगी, लगभग 3000 यूरो आपको 1 महीने की सैलरी मिलेगी, लगभग 2,80,000, 3 लाख इतना आपको सैलरी यहाँ पर मिल जाएगा। इतना सैलरी आपको इंडिया में कहीं पर भी नहीं मिलेगा।
तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। चाहे तो आप जो आपका एम्प्लॉयर है उसके उससे भी आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर देखिए उसका कांटेक्ट नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ यहाँ पर लिखा रहेगा। तो यहाँ पर आप व्यू कंपनी पे जाकर उसका डिटेल चेकआउट कर सकते हो, डायरेक्टली आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो एम्प्लॉयर के साथ में। तो दोस्तों यहाँ पर और भी काफी सारी जॉब आपको देखने के लिए मिल जाएगी। आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते रहना, बहुत सारी लेटेस्ट जॉब यहाँ पर निकली हुई है। तो अगर आप यहाँ पर जॉब करना चाहते हो एज ए नर्स केयर गिवर, इस तरह की जॉब अगर आपको करनी है मेल फीमेल, तो दोस्तों आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर देखिए काफी अच्छी सैलरी आपको मिलेगी, फुल टाइम ये जॉब निकली हुई है, परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट है। 1 से 2 साल का अगर आपको एक्सपीरियंस है तो भी चल जाएगा, और अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो भी चल जाएगा, ये लोग आपको ट्रेनिंग देंगे। तो अगर आप फ्रेशर हो तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, लेकिन एजुकेशन आपकी ठीक ठाक होनी चाहिए। केयर गिवर से रिलेटेड जो भी एजुकेशन आपकी है उसके डॉक्यूमेंट भी ये लोग आपसे मांगेंगे। तो दोस्तों डायरेक्टली आप यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो, और अप्लाई नाउ पर क्लिक करके आप यहाँ पर अप्लाई भी कर सकते हो केयर गिवर जॉब के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अप्लाई करने के लिए सिंपली आपके पास में एक प्रोफेशनल सीवी और कवर लेटर होना चाहिए। बिना सीवी कवर लेटर के लिए यहाँ पर आपको जॉब नहीं मिलेगा। एक यूरोपियन फॉर्मेट का सीवी आपके पास में होना चाहिए। तो अगर आपके पास में एक प्रोफेशनल सीवी नहीं है तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो, स्क्रीन पर आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आके मुझे कांटेक्ट कर सकते हो सीवी कवर लेटर के लिए और जॉब अप्लाई करने के लिए। हमारे बने हुए सीवी कवर लेटर से आपके जॉब पाने के चांसेस लगभग 60% ज्यादा बढ़ जाएंगे, और आपको बहुत ही क्विकली जॉब मिल जाएगा। ऑनलाइन जॉब्स में दोस्तों ऐसा नहीं है कि एक ही बार में अपना अप्लाई किया और एक बार में आपको जॉब मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के साथ में आपको अपना सीवी सेंड करना पड़ता है, और जहाँ से भी रेस्पॉन्स आता है वहाँ पर आपको जॉब मिल जाता है। ऐसा नहीं कि एक बार में आपने एप्लीकेशन किया और आपका सक्सेस हो गया, आपको यहाँ पर जॉब मिल गया, इतना ईजी यहाँ पर नहीं है। एप्लीकेशन करने में यहाँ पर टाइम लगता है। अगर आप यहाँ पर केयर गिवर या फिर नर्स जॉब के लिए भी अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पर आप बड़े आराम से एप्लीकेशन कर सकते हो। सिंपली यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा, तो इस तरह का पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। उसके बाद में आपको सिंपली नीचे जाना, अप्लाई नाउ पर आपको क्लिक कर देना। तो यहाँ पर आपको अपना अपलोड कर देना एक फोटो, व्हाइट बैकग्राउंड और प्लेन फोटो होना चाहिए, बॉर्डर आसपास में नहीं होना चाहिए फोटो के। उसके बाद में आप टाइटल, आपका जो नाम है मिस्टर मिसिज जो भी है, यहाँ पर आपको ऐड कर देना। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम, आपका लास्ट नेम और आपका डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी आपको अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हो तो इंडिया यहाँ पर आपको ऐड कर देना। जिस भी कंट्री से आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो वही कंट्री का यहाँ पर आपको ऐड कर देना। उसके बाद में दोस्तों एड्रेस आपका डाल देना, लोकल एड्रेस, स्ट्रीट, पोस्टल कोड और आपका प्लेस ऑफ रेजिडेंस, कॉन्टेक्ट डिटेल, आपका ईमेल आईडी, आपका फोन नंबर और इन्फॉर्मेशन आपके बारे में। प्लीज मेक योर चॉइस रिमार्क, आप अपने बारे में जो भी बताना चाहते हो वो सब आप यहाँ पर बता सकते हो। उसके बाद में नीचे आप आएंगे, यहाँ पर आपसे मांगा जाएगा आपका प्रोफेशनल रिज्यूम यानी कि सीवी, और नीचे आप देख पा रहे हो यहाँ पर एक कवर लेटर। तो गाइस ये दोनों डॉक्यूमेंट अलग होते हैं, ये होता है रिज्यूम यानी कि सीवी, और यहाँ पर जो सेकंड डॉक्यूमेंट है वो है दोस्तों यहाँ पर कवर लेटर। तो इसके बिना दोस्तों यहाँ पर आपका जॉब नहीं मिलेगा। यहाँ पर क्या किसी भी यूरोप कंट्री में आप अप्लाई करोगे आपको जॉब नहीं मिलेगा बिना सीवी और कवर लेटर के। तो अगर आपको सीवी कवर लेटर बनवाना है प्रोफेशनल तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपको चूज फाइल पर क्लिक करके आपका जो सीवी रहेगा पीडीएफ में, तो यहाँ पर आपको ऐड कर देना। उसके बाद में नीचे आप आएंगे, कवर लेटर रहेगा तो कवर लेटर भी यहाँ पर आपको ऐड कर देना। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे रिज्यूम के ऊपर, यहाँ पर इस तरह का पेज ओपन होगा, और यहाँ पर आपको मीडिया वाला ऑप्शन पर जाने के बाद में यहाँ पर इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स में जाना, जो भी सीवी हम लोग बनाते हैं अपने कैंडिडेट्स का, सब्सक्राइबर का, वो हम यहाँ पर सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे स्टैम्प पर सीवी आपको देखने के मिल जाएंगे, जैसे कि नीचे आप आएंगे कवर लेटर है सीवी है, वेयर हाउस वर्कर के सीवी है, फ्रूट पिकिंग के सीवी है, और भी डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब्स के यहाँ पर सीवी आपको देखने मिल जाएंगे। ये सब सीवी हमारे सब्सक्राइबर के, उनके लिए हम लोग ने बनाए थे, और काफी लोगों को यहाँ पर जॉब भी मिल चुका है। तो चलिए कोई भी एक सीवी यहाँ पर ऐड करके दिखाता हूँ ताकि आपको पता लग जाए किस तरह से यहाँ पर आपको सीवी ऐड करना। तो ये ऐड हो गया सीवी। उसके बाद में और नीचे आप यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करेंगे तो कवर लेटर भी आप सेम उसी तरीके से यहाँ पर ऐड कर सकते हो। बस दोस्तों इतना सा काम आपको करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको ये बटन दिखाई दे रहा है सेंड एप्लीकेशन, इस वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर एग्री पे क्लिक करके यहाँ पर आपको सेंड एप्लीकेशन कर देना। तो दोस्तों बस इतना सा ही प्रोसेस है। इसके बाद में जो आपका सीवी है वो आपका जो एम्प्लॉयर होता है लग्जमबर्ग के अंदर, वहां पर आपका ये सीवी पहुंच जाएगा। उसके बाद में वो लोग चेकआउट करेंगे आपका सीवी। अगर एक प्रोफेशनल सीवी है तो समझ लीजिए आपके जॉब पाने के चांसेस यहाँ पर 60% ज्यादा बढ़ जाएंगे अगर आप हमारे थ्रू अप्लाई कराते हो। तो यहाँ पर आपका सीवी सिलेक्शन होगा, उसके बाद में आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे और आपके यहाँ पर सिलेक्शन होती है, आपको ये लोग ऑफर लेटर दे देंगे। उसके बाद में आपको एम्बेसी में जाके वर्क वीजा के लिए अप्लाई कर देना, जहाँ पर आपको 50 यूरो ही ओनली फी पे करनी है। आप अपनी फैमिली का भी वीजा लगवा सकते हो साथ में, अपने स्पाउस के लिए आपको यहाँ पर 40 यूरो अलग से पे करना पड़ता है। तो ये दोस्तों इसका प्रोसेस है। और यहाँ पर जॉब्स मैंने आपको दिखा दी, काफी सारी जॉब इस टाइम पर अवेलेबल है, जैसे कि फिटनेस ट्रेनर होता है उनके लिए यहाँ पर जॉब है। फिटनेस ट्रेनर भी यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं लग्जमबर्ग के अंदर, उनको भी काफी अच्छी सैलरी मिल जाएगी, लगभग 2000 से लेकर 2500 यूरो पर मंथ आपको मिल सकते हैं। कुक के लिए यहाँ पर जॉब निकली हुई है, कुक की जॉब के लिए भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। हॉस्पिटैलिटी मैनेजर के लिए भी यहाँ पर जॉब है,
और उसके बाद आप देखें और भी काफी सारी जॉब आपको यहाँ पर देखने की मिल जाएगी। व्हीकल पेंटर के लिए भी यहाँ पर जॉब निकली है, ये भी काफी अच्छी जॉब है और सैलरी भी काफी अच्छी यहाँ पर आपको मिल जाती है। ड्राइवर के लिए यहाँ पर इस टाइम पर जॉब निकली है, वेयरहाउस वर्कर के लिए यहाँ पर जॉब है, और अगर आप शेफ हो शेफ के लिए भी यहाँ पर जॉब है, और दोस्तों टीम लीडर की भी यहाँ पर जॉब निकली हुई है, टीम लीडर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए भी यहाँ पर जॉब निकली हुई है, और दोस्तों फार्मेसी टेक्नीशियन के लिए भी यहाँ पर जॉब है, अगर आप एक फार्मेसिस्ट हो तो भी आप यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। ट्रेन कंट्रोलर के लिए यहाँ पर जॉब निकली हुई है, और यहाँ पर दोस्तों फार्म वर्कर की काफी सारी जॉब इस टाइम पर निकली हुई है, और यहाँ पर क्लीनर्स के लिए हाउस कीपर के लिए बहुत सारी जॉब है, स्टोर कीपर की यहाँ पर जॉब है, बार टेंडर की जॉब है, और दोस्तों यहाँ पर सुपर मार्केट में काफी सारी जॉब है। बस ड्राइवर की आपको जॉब मिल जाएगी, फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर की यहाँ पर जॉब आपको मिल जाएगी, सिक्योरिटी गार्ड की आपको जॉब देखने के लिए मिल जाएगी, वेल्डर की जॉब है, प्लम्बर की जॉब है, ऑप्टिशियन की भी यहाँ पर जॉब निकली हुई है, ऑप्टिशियन की जॉब भी काफी अच्छी यहाँ पर होती है, टीचर के लिए भी दोस्तों यहाँ पर जॉब निकली हुई है। दोस्तों बहुत सारे इस टाइम पर जॉब है, अगर आपको यहाँ पर अप्लाई करना है तो इस वेबसाइट के थ्रू आप यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, एंड जैसे ही यहाँ पर आपको ऑफर लेटर मिलता है कंपनी से, समझ लीजिए आपका वर्क वीजा का जो प्रोसेस है वो 90% डन हो जाता है। चलिए दोस्तों अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वर्क वीजा के बारे में तो आप मुझे फॉलो भी कर लीजिए मेरे इंस्टाग्राम पेज पर, इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड साथ में मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। तो इस वीडियो में इतने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।